नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी में। मैं हूं मिस्टर राम। मैं आज आपको शब्दों के पीछे की कहानियां जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, मैं आज आपको वही सब बताने वाला हूं। और गाइज, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज देखिए, जो बर्ड होते हैं उनका मतलब वही क्यों होता है। मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट का मतलब अल्फ़ाबेट ही क्यों होता है, ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता ही क्यों होता है, तो वो सारे वर्ड, क्योंकि कोई ना कोई शब्द जो होता है बिना उसके मतलब के, उसकी कोई बिना स्टोरी हो, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं बन सकता ना। यानी कोई भी शब्द क्यों ना हो, वह शब्द कहीं ना कहीं से तो आया ही होता है। तो वही सब, यानी कि शब्द कहीं ना कहीं से तो ज़रूर आते हैं। कैसे बनता है यह देखना है, इस जानकारी को ही शब्दों की कहानियाँ कहा जाता है। तो गाइज, मैं आज आपको यही सब बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आराम से देखिएगा, रिलैक्स माइंड होकर के इनके वर्डों की हिस्ट्री आप सुनिएगा। तो मैं आज आपको बताना चाहूँ, पहला वर्ड है मेरा अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब आप सबको पता है, वर्णमाला होता है स्टार्टिंग। लेकिन इसका मतलब वर्णमाला क्यों होता है, उसके पीछे की मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदी में छोटा आ, बड़ा, छोटी ए से आरंभ होता है, वैसे ही क्या होता था कि ग्रीक जो वर्णमाला होती थी उसमें अल्फ़ाबेट, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के वहाँ पर भी वर्णमाला की स्टार्टिंग होती थी। इसी तरह से वहाँ पर भी स्टार्ट होता था। तो क्या होता था कि इनमें से अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया अल्फ़ाबेट शब्द। यानी मैंने अल्फ़ा जोड़ा, बीटा जोड़ा, इन दोनों को जोड़ करके मैंने बनाया था अल्फ़ाबेट शब्द। अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला, और वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहना बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि हम किसी भी भाषा के अल्फ़ाबेट सीखते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अल्फ़ाबीटा ही सीखते हैं। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। नेक्स्ट है मेरा बॉबी। देखिए, बॉबी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैसे आया, ये जो बॉबी वर्ड था ये बना था रोबोट से। अच्छा देखिए, रोबोट इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। बॉबी का मतलब क्या होता है, वो उसका मतलब होता है पुलिस सिपाही। कोई भी पुलिस का कांस्टेबल होता है उसको बॉबी बोलते थे। क्योंकि देखिए, बॉबी में क्या होता है कि 19वीं सदी के स्टार्टिंग में सर रॉबर्ट पील नामक एक व्यक्ति थे, वो लंदन में पुलिस विभाग की स्थापना करने के बाद बॉबी यह शब्द एकदम प्रचलित हो गया था। लंदन के पुलिस वालों को स्टार्टिंग में बॉबीज मैन, यानी मैं कहूँ कि बॉबी के आदमी कहा जाता था, आगे जाकर बॉबीज मैन, आगे जाकर के फिर क्या हो गया कि इनको ही लंदन में क्या होता था कि पुलिस वालों को बॉबीज मैन कहा जाने लगा था, कि उनको, क्योंकि बॉबी, बॉबीज मैन क्या बोलते थे, बॉबी, बॉबीज मैन, फिर इनको बॉबीज मैन कहा जाने लगा, यानी बॉबी के आदमी कहा जाने लगा था। आगे जाकर बॉबीज मैन के बजाय सिर्फ बॉबीज यह शब्द प्रचलित हो गया। तो ऐसा इतिहास है कि बॉबी का अर्थ, यानी इसका अर्थ क्या होता था फिर, पुलिस के सिपाही, यानी पुलिस का जो भी कांस्टेबल होता है उसको हम बॉबी के नाम से जानते थे। गाइस देखिए, ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता क्यों होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा देखिए, आप इस वर्ड को देखिए, ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, एक है ब्रेक और दूसरा है फास्ट। अच्छा देखिए, दो वर्डों से मिलकर के बना है, एक ब्रेक और फास्ट। आप इस वर्ड को ऐसे देख सकते हैं कि ब्रेक का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ब्रेक का मतलब तो आप जानते ही ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो ये हो गया तोड़ना। और फिर फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब होता है व्रत, तो ये हो गया, फास्ट का मतलब उपवास होता है ना। तो जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आप दूसरे शब्दों में कहें तो रात भर का जो आपने व्रत रखा है उसे ही तोड़ते हैं ना। और क्या ये तो हम बोलेंगे कि भाई आपने सुबह जब तुम्हारा रात भर का फास्ट था तो सुबह आपने नाश्ता किया और उससे आपका जो फास्ट है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हम बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट का मतलब किससे हुआ था, नाश्ता से, तो वो हो गया ब्रेकफास्ट मतलब हुआ नाश्ता। तो इसकी कहानी के पीछे ये है। अच्छा देखिए, ब्रंच का मतलब क्या होता था, ब्रंच का मतलब होता है गाइज कि सुबह देर से लिया गया भोजन। जैसे मान लो सुबह आप जब भोजन लेते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, है ना। लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले जो हम लेते हैं वो होता है गाइज ब्रंच। क्योंकि देखो, ये वर्ड बना है ब्रेक, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो देखो, ब्रेकफास्ट और लंच के जो बीच में होता है उसको बोलते हैं ब्रंच। जैसे आपने देखा गांव में जो हम बोलते हैं कलेऊ, इसको देखो मैं लिख रहा हूँ, कलेऊ है ना, कलेऊ खाना है, तो कलेऊ उसी को बोलते हैं ब्रंच को। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, यह भोजन यानी नाश्ता और
दोपहर का शब्द यानी दोपहर का जो भोजन होता है वो एक साथ लिया जाता है ना, तो हम कह सकते हैं ब्रंच शब्द भी वहीं से वही बताता है, क्यों ब्रेकफास्ट और लंच इन दोनों शब्दों को मिलकर के ही तो ब्रंच बनता है, तो हम कह सकते हैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो इस प्रकार अंग्रेजी में भी कुछ शब्द बने हैं ना, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेकफास्ट कैसे है, तो सेम उसका भी यही डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट का तो पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअल में इसकी कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखिए आपने देखा होगा कि समुद्र के पार जाने वाले जहाजों का जब कोई निरीक्षण करता था तो उस समय दिखाई देगा कि आप देखते होंगे समुद्र में, आप कभी मरीना बीच कहीं पर भी खड़े होकर के देखे हैं, तो कुछ समय बाद ना ये जहाज दिखाई देना बंद हो जाते थे, यानी कुछ दूरी पर जाएंगे तो धुंधलापन दिखेगा, जहाज ही नहीं दिखेगा, है ना, दिखाई देना बंद। लेकिन क्या होता, ग्रीक लोग जो ग्रीक के वासी थे, ग्रीक लोगों ने जब यह देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि समुद्र में कहीं ढलान है। इस ढलान के लिए ग्रीक लोगों के पास कलीमा शब्द था, कलीमा, कली, कलीमा, तो उनके पास जो था वो कलीमा शब्द था। तो ग्रीकों को यह लगता था कि इस ढलान का मौसम पर असर होता है, तो इस ढलान के मौसम को ग्रीक लोगों ने इस तरह जोड़ दिया था कि भाई कलीमा से बना दिया उनने क्लाइमेट, और इसका मतलब हो गया था मौसम। उन्हें लगा था भाई कि इसको कलीमा बोला और मौसम से संबंधित था ये, तो क्योंकि मौसम में ही ऐसा सब कुछ होता था कि जहाज दिखाई नहीं देते थे, तो उन्होंने बोला कि कलीमा, तो ये वर्ड जो बना था दोस्तों, ये जो वो क्लाइमेट है वो कलीमा से बना था। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, संकट या आपत्ति। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इसका मतलब यही क्यों होता है। देखिए ग्रीक भाषा में एस्टर का अर्थ होता था तारा, ये जो बना है ना एस्टर, ASTR, इसका मतलब होता था तारा। और जैसा कि आप जानते हैं डिश का अर्थ होता है विरुद्ध, यानी किसी वर्ड के पहले अगर डिश वर्ड लग जाता है ना तो उसका मतलब होता है उसके विरुद्ध, तो इस अर्थ को वो बताता है। तो पुराने काल में क्या होता था कि ग्रीक लोग तारों की पूजा करते थे, अब तारों के देवता मानते थे ना, तारों को देवता मानते थे उनका, और उनका मानना था कि अगर वे तारों के विरुद्ध गए तो देवता की मर्जी की अगर वो विरुद्ध गए ना तो उन पर क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये होता था, एस्टर माने तारा यानी देवता, डिश माने उनके विरुद्ध, यदि वो किसी देवता के विरुद्ध गए तो आप क्या हो जाएगा बताओ, आप खुद सोचो ना, किसी भी अगर आप देवता के किसी भगवान के अगर विरुद्ध अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ संकट आ जाएगा, ऐसा जो था वहां के लोगों का मानना था। तो डिजास्टर का मतलब हो गया संकट, या फिर हम कह सकते हैं आपत्ति। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिसीज, डिसीज का मतलब आपको पता ही होगा, बीमारी से मतलब होता है। ये कैसे बना, देखो मैंने अभी बताया था कि डिश का मतलब किसी वर्ड से पहले लगता है तो वो नकारात्मक भाव को बताता है, और ईज का मतलब क्या होता है, ईज का मतलब होता है दोस्तों स्वस्थ, एकदम मस्त आदमी, आराम में होने की स्थिति को बोलते हैं ईज, EASY, जैसा इसमें ये लिख रहा है। तो स्वस्थ होने की जो स्थिति होती है ना, अगर स्वस्थ में हम डिस लगा दें यानी उसमें नकारात्मक कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीमारी तो हो जाएगी, तो ये होगा डिसीज का मतलब हो गया बीमारी। अच्छा गाइज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मंडे का मतलब सोमवार क्यों होता है, देखिए इसके पीछे की कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। सर कैसे, क्योंकि देखो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा ये जो स्टोरी थी ना वो संडे से रिलेटेड थी, यानी ये जो स्टोरी थी वो संडे के ऊपर बेस्ड थी। यानी पहले क्या होता था कि जो जो पुराना पुराने काल में जो लोग थे वो सूर्य भगवान को अपना देवता मानते थे, वो सब कुछ उन्हीं को मानते थे। अच्छा देखो आपने देखा होगा 7 बारों में से एक बार का नाम संडे यानी सूर्य का बार होने की वजह से दूसरे बार का नाम मंडे पड़ गया था, है ना, यानी वो हुआ आपका संडे तो दूसरा हो गया मंडे। तो क्योंकि उस समय इंग्लैंड में जो जो श्रद्धालु थे वो लोग चंद्रमा को सूर्य की पत्नी मानते थे, फिर क्या पत्नी के नाम से एक बार भी नहीं होना चाहिए क्या, मतलब सब कुछ पति को ही क्रेडिट मिलेगा, जब पति का नाम आ गया तो पत्नी का भी नाम ले लो, तो इसीलिए वो आपस में मंडे को चंद्रमा की बीवी मानते थे, यानी मंडे को हमारे सूर्य भगवान की बीवी मानते थे। तो सिर्फ इतना ही है कि मंडे को ऐसा नहीं, मंडे को मंडे बोलते हैं, पता है मंडे को हम मून डे भी बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि संडे हो गया सन यानी सूर्य भगवान का दिन और मंडे हो गया मून यानी चंद्रमा का दिन, तो इसीलिए मंडे को मून डे भी बोलते हैं, है ना। तो ये दो वर्ड जो थे मैंने आपको बता दिया, संडे और मंडे में क्या अंतर है
नेक्स्ट देखिएगा ओनियन। इस ओनियन का मतलब क्या होता है? अनियन। तो अनियन का मतलब क्या होता है? अनियन का मतलब पता है आपको क्या होता है? प्याज होता है। देखो ऐसा होता है, जो अनियन वर्ड बना था ये यूनियन से मिल करके बना था। अब जिसका मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है संघ, एकता। क्या होता था दोस्तों को लैटिन भाषा में ना, उसको यूनियन शब्द से ही बना है, क्योंकि लैटिन के लिए हमारा शब्द जो अनियन है ना, जब आपने देखा होगा जब आप परत पर परत इकट्ठा होकर बने हुए प्याज को देखेंगे तो वो एक यूनियन की तरह लगता है ना। तो इसीलिए हम यूनियन को अनियन में समानता देखने पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो अनियन है ना वो किससे बना है? यूनियन से। क्योंकि अनियन पर भी तो एक एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत इस तरह से लगी होती है। तो ये हो गया। अच्छा गाइस देखिए, टीनेजर का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा कि टीनेजर का मतलब क्या होता है। टीनेजर का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी उम्र 13 से 19 साल के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं टीनेजर। सर इसको जरा बताना। देखो 13 से 19, आपने देखा है ये, देखो टीन आ रहा है, टीन, टी डबल एन। अच्छा एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि 13 से और 19 तक की जो भी गिनतियां होती हैं वही सिर्फ ऐसी होती हैं जिनके बीच में टीन आता है लास्ट में। तो देखो मैंने 13, 14, 15, 19 तक टीन टीन आता है ना, तो टीनेजर उसको बोलते हैं जिसकी उम्र 13 से और 19 साल के बीच में होती है। तो वो गया टीनेजर। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा गाइस, पेपर का मतलब क्या होता है? पेपर का मतलब यही सब क्यों होता है? देखिए पेपर का मतलब क्या होता है कि लैटिन भाषा में ना पेपर को पेपरस बोलते थे। पेपर को क्या बोलते थे? पेपरस, PAPYRUS। तो पेपरस शब्द, अब इस शब्द से बना हुआ पेपरस क्या होता था कि एक वनस्पति का नाम था। अब इस वनस्पति की जो लुगदी होती है ना, आपने देखा हो लुगदी जो होती है, वो से बनाया गया कागज पहले के समय में ही लिखने के लिए काम में लिया जाता था, तो इसलिए हम उसे बोलते थे कि पेपर यानी कागज। तो ऐसे ही पेन, पेन की हिस्ट्री है। ऐसा आपने देखा होगा पेन की कहानी जो होती है, पेन भी शब्द लैटिन भाषा के पेना शब्द से बना था, PENA। पेना शब्द से पेन की उत्पत्ति हुई थी। और इस पेना का अर्थ क्या था? पंख या पर होता था। तो पहले लोग क्या होता था, आपने देखा होगा गाइस कि लिखते समय पंख का ही इस्तेमाल करते थे, यानी पंख की लेखनी का इस्तेमाल करते थे। तो यह आप जानते हैं सब लोग, तो इसीलिए वहीं से ये वर्ड की उत्पत्ति हो गई थी कि पेन का मतलब होता है कि लेखनी, यानी एक तरह से पंख की तरह होता है वो। तो गाइस ये था इन वर्ड के छुपी हुई पीछे की कहानी, जो कि अनसुनी कहानी थी वो मैंने आज आपको बताई। और गाइस यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छी लग रही है तो। तो प्लीज़ गाइस जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और भी मैं अच्छे अच्छे आपको फैक्ट लाता रहूँगा इंग्लिश से संबंधित। यदि किसी भी टॉपिक पर यदि आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी के लिए आपको मैं तैयार हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।